मित्रों एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक रामू नाम का चरवाहा रहता था। वह अपने गांव की गायों को चराने के लिए जंगलों में लेकर जाता था। दिन भर उन्हें चराने के बाद वापस गांव में शाम को लेकर आता था। उसे नित्य काम के बदले में गांव के प्रत्येक घर से उसे जीने लायक खाना और पैसे मिल जाते थे। हर साल होने वाली फसल का कुछ हिस्सा उसे लोग देते थे, जिससे उसके खाने पीने की व्यवस्था हो सके। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपनी माँ के साथ घर में रहता था। उसकी माँ लगातार बीमार रहती थी। गर्मी के दिनों में उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह भगवान को प्यारी हो गई। अब जंगल में गर्मी के दिन होने के कारण घास फूस लगभग खत्म हो गई थी। यहां जंगल में गायों को चराने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं बची थी। गर्मी ज्यादा हो जाने की वजह से तेज धूप हो जाती थी और दोपहर के समय सारी गायों को पौधों की छांव में बैठाकर विश्राम करता था। अब रामू के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रात को वो यह सोच के घर के लिए निकला कि दिन भर भटकते रहने के कारण उसे किसी चीज का डर नहीं था। अब वह जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में शमशान था। सारे गांव वाले उस शमशान वाले रास्ते से जाने से बहुत ही डरते थे और अगर रात को कोई काम होता था तो भी कोई उस रास्ते से नहीं जाते थे, जबकि उस काम को सुबह ही पूरा करते थे। शमशान में रात को कभी कभी एक अजीब सी रोशनी भी दिखाई देती थी, लेकिन वह रोशनी साल में एक बार ही दिखाई देती थी और वह रोशनी हर कोई देखता था। लेकिन लोगों के मन में उसके प्रति बहुत सारे सवाल थे, लेकिन डर की वजह से वह सब चुप रहते थे और इस बारे में एक दूसरे से चर्चा भी नहीं करते थे। एक बार रामू ने भी वह रोशनी देखी थी। तब उसने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, यह रोशनी कहां से आ रही है? वहां पर कोई है क्या? तब उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, इस बारे में बात भी मत करो, बहुत डर लगेगा वरना। अब रामू को उस बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर उस रोशनी की तरफ जाने से मना कर दिया था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उस जमाने में कसम का बड़ा ही महत्व होता था और अपने वादे और कसम के लिए लोग जान तक दे देते थे, लेकिन कसम नहीं तोड़ते थे। हाँ, कसम और वादे से होता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इन पर विश्वास करते थे, क्योंकि इससे ही लोगों के रिश्ते चलते थे, इससे ही लोगों के विश्वास बने रहते थे। लेकिन आजकल तो लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और कोई किसी का भी सगा नहीं होता और थोड़े से स्वार्थ की खातिर लोग बिक जाते हैं। अब जब रामू की मां मर गई थी तो अब रामू को कसम टूटने का भी डर नहीं था। अब जब रामू रास्ते से जा रहा था तो आज उसे रोशनी दिखाई दी, इसलिए वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए शमशान की तरफ चलता चला जाता था, ताकि इस बार उसके बारे में जान सकें कि आखिर वह क्या चीज है। उस शमशान से आती हुई रोशनी को देखकर उसे लगा कि वहां कुछ हो रहा है। उसे ऐसे लगा कि वहां कोई बैठा है और आग जल रही है, तो रामू की उत्सुकता जागी और रामू धीरे धीरे दबे पांव शमशान की ओर चला गया। वहां पहुंचकर रामू ने देखा कि एक महल जैसा घर है। अब रामू उस महल के अंदर गया। वहां एक महिला चूल्हा जलाकर कुछ बना रही है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ, इतनी रात गए यह महिला शमशान में क्या कर रही है? फिर रामू को आभास हुआ कि हो ना हो यह महिला कोई भूत प्रेत तो नहीं है। रामू सोचने लगा, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो डर किस बात का है? अब रामू को तो वैसे भी पता था कि उसका कोई परिवार तो है नहीं, तो फिर अगर कुछ गलत हो जाए तो भी क्या डर है, इसीलिए वह ज्यादा चिंता नहीं करता था। रामू ने सोचा कि क्यों ना और करीब से जाकर देखा जाए। अब इंसानों से डर नहीं लगता था, लेकिन भूत प्रेत के नाम से अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, और रामू भी कोई ऐसा डर नहीं था, इसलिए रामू डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पास जा पहुंचा। अब वह एक सफेद सुंदर और युवा महिला थी, और रामू के वहां पहुंचने के बाद उस महिला ने रामू को देख लिया। महिला ने रामू से पूछा, क्या रोटी खाएगा? अब खास भूख तो रामू को नहीं थी, फिर भी उसने सहमति में सिर हिला दिया। वह महिला कोई 20-22 वर्ष की रही होगी। उसने घाघरा चोली पहना हुआ था और उसने सिर पर चुनरी ले रखी थी। रामू उसके साथ ही जमीन पर बैठ गया। अब उसे महिला ने रामू को रोटी और सब्जी परोसी तो रामू खाना खाता गया। अब रामू थोड़ा खाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था, क्योंकि बेचारा गरीब था और ज्यादा खाने को भी नहीं मिलता था। इसीलिए जहां पर कोई शादी समारोह या फिर कोई अच्छा खाना मिलता था तो वह मन लगाकर 4-5 जनों का तो अकेले ही खा जाता था।
इसीलिए आम तौर पर लोग उसे घर पर बुलाने से हिचकते थे। माँ के गुजर जाने के बाद तो वह काम चलाऊ खाना बनाकर या किसी से लेकर थोड़ा बहुत रोज खाता था, और ज्यादा स्वादिष्ट भोजन तो उसकी कमजोरी था भोजन के लिए, तो वह कुछ भी कर सकता था। रामू दबाकर रोटी खाता गया, और जब पेट भर गया तो उसने डकार ली और कहने लगा, भोजन बहुत अच्छा है, तो वह औरत भी भोजन करने के लिए बैठ गई। रामू उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने इशारे से रामू को मना कर दिया। उसने भोजन समाप्त किया और हाथ धोने के बाद रामू से पूछा, क्या तू साथ चलेगा? रोज तुझे ऐसे ही खाना खिलाएंगे? अब भोजन जो रामू की कमजोरी था, क्योंकि एक तो गरीब तथा दूसरा जो लोग दे देते थे उसी में अपना गुजारा करता था, और जो भोजन उस महिला ने खिलाया था वैसा तो उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा भोजन खाया नहीं था। इसलिए रामू उन्हें तुरंत हामी भर दी, और हामी भरते ही रामू को महल के अंदर ले गई। अब अगले दिन सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक महल जैसे कमरे में पाया। उस कमरे में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी, और वह एक बहुत ही सुंदर पलंग पर लेटा हुआ था जिसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। उस पर सुनहरे रंग की चादर बिछी थी, और उस रेशमी चादर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा का कक्ष हो। रामू के लिए तो यह किसी सपने जैसा था। रामू यह समझ नहीं आ रहा था वह कहां पर गया है। तभी कमरे में वह सुंदर युवती आई और बालों को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, आप स्नान करेंगे क्या? आप स्नान कर लीजिए। अब जैसे ही रामू ने उसे पूछने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसने इशारे से चुप रहने के लिए कह दिया। अब रामू उसके पीछे चुपचाप चल दिया। उसने आवाज लगाई तो दो अधेड़ उम्र के आदमी प्रकट हुए और उसे स्नान घर तक ले गए। अब रामू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही रामू ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इशारे से मना कर दिया। रामू ने सोचा कि अपने बाप का क्या जाता है, अभी तो मजा ही ले लो, आगे देखते क्या होगा। यही सब सोचकर वह निश्चिंत हो गया, क्योंकि रामू के पास होने के लिए तो कुछ था भी नहीं। वह सोचने लगा, ना मेरे पास कोई परिवार है और ना ही मेरी कोई संपत्ति है, ले देकर एक कुटिया है, टूटी फूटी, जो मैं जब चाहूं तो फिर से बना सकता हूं। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो वह इस चीज से घबराता भी नहीं है कि अब क्या होगा, और रामू सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने एक चांदी के बने तब जैसे गोलाकार बर्तन में रामू को बिठाया, और जिस पर बैठकर ठंडे खुशबूदार पानी से एक गांव तालाब में नहाने वाले उस चरवाहे के लिए वे किसी स्वर्ग के आनंद से कम नहीं था। अब रामू बहुत ही खुश हो गया। वहां पर बहुत ही सुंदर वस्त्र उसे दिए गए। कपड़े देखने में राजा महाराजा के कपड़े जैसे लग रहे थे। वह कपड़े बिल्कुल उसी के साइज के थे, ऐसा लगा जैसे नाप लेकर सिले गए हो। उनको पहनकर जब रामू ने अपने आप को आईने में देखा तो अपनी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह काफी देर तक अपने आप को देखता रहा। उन कपड़ों में एक बहुत ही अजीब सी सुगंध आ रही थी। उस खुशबू में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग को सुन्न कर दे रहा था। अब वह महिला राजकुमारी के कपड़े पहने हुए रामू के कमरे में आई। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने रामू का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। वह रामू को एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर ले गई। उस टेबल पर ढेर सारे पकवान और कई तरह के भोग रखे थे, जिसमें से कई प्रकार की मिठाइयां और फलों के बारे में तो उसे पता भी नहीं था कि क्या है। यह देखकर रामू की जीभ ललचा गई, उसके मुंह में पानी आ गया। वह जैसे ही खाना खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तभी उस स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया, और रामू ने उसकी तरफ देखा तो उस महिला की ओर देखा और कहा, एक यह सब तेरा है, लेकिन तुझे एक शर्त माननी होगी। रामू ने सोचा, भरपेट खाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रामू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उस स्त्री ने कहा, तुम्हें भैरव बाबा को हमारे पास लेकर आना होगा। अब रामू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भैरव बाबा से वह अच्छी तरह परिचित था, और उम्र में और उसके उन्हें बड़ा अंतर था। पर इतना होने के बावजूद भी एक प्रकार से वे लोग मित्रों जैसे थे। बचपन से ही भैरव बाबा से एक अलग ही लगाव था। पिताजी के मरने के बाद भैरव बाबा उनके दोस्त होने के नाते हमेशा जरूरत पड़ने पर रामू की मदद करते थे और अपने साथ घुमाने भी ले जाते थे। लेकिन रामू की समझ में यह बात नहीं आई, उस युवती को भैरव बाबा से भला क्या काम हो सकता है। इसीलिए रामू ने उससे पूछ लिया, तुम भैरव बाबा को क्यों मिलना चाहती हो?
और अगर उसको बुलाना चाहती हो तो तुम जाकर बुला सकती हो। वह तो किसी के बुलाने से भी आ जाते हैं, फिर मुझे बुलाने के लिए क्यों बोल रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, अगर मैं बुला सकती तो तुमसे नहीं कहती। अब तुम देख लो, अगर इस खाने का मजा लेना है तो तुमको भैरू बाबा के पास जाना होगा और उसे यहां पर लाना होगा। अब रामू था तो एक चरवाहा ही और एक तरफ उसे दिख रहा था। स्वादिष्ट भोजन उसने सोचा कि हो सकता है इस युवती को कोई समस्या हो और उस समस्या का समाधान सिर्फ भैरू बाबा की जानते हो। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, इसमें कौन से बड़ी बात है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूं उनको। रामू के हामी भरने के बाद उसने आवाज दी। तब तक दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी वहां पर सेवा के लिए उपस्थित हो चुके थे। रामू के लिए एक बड़ी सी अजीब सी बात थी, क्योंकि वह दोनों अचानक गायब हो जाते हैं और अचानक से प्रकट हो जाते थे, और उस समय सामने रखा हुआ भोजन रामू के लिए ज्यादा मायने रखता था। उसने महिला से कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तो मैं तुम्हारा खाना खा सकता हूं क्या? तब उसे महिला ने कहा कि ठीक है, अब तुम खाना खा लो, लेकिन याद रखना तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी है। तब रामू ने कहा कि ठीक है। अब वह फटाफट भाग कर खाने की तरफ गया और उसने खाना खाया, और इतना खाना खाया कि रुका ही नहीं जब तक उसका पेट पूरी तरीके से भर नहीं गया हो। यह सब किसी स्वर्ग से कम नहीं था, उसके लिए यह सब बहुत ही अजीब था। उसने जो मांगा उसने वह सब मिला। मुझे यह सब सपने जैसा लग रहा था, तभी उन दोनों आदमियों ने उससे पूछा कि और क्या चाहिए। तब रामू ने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, अब मैं इतना ही खाऊंगा। तब आदमियों ने कहा कि खाना कैसा बना है। तब रामू ने कहा कि इतना स्वादिष्ट बना है कि मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक चरवाहा हूं और जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे भरपेट भी कभी भोजन मिलेगा क्या, और मुझे तो यहां पर इतना स्वादिष्ट खाना मिला है। फिर रामू ने पूछा, आप कौन हैं? और रामू के पूछने पर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, और फिर उसने अपने आप को नियंत्रित किया और फिर बताया कि वह राजनगर की राजकुमारी है, उसे भैरव बाबा से कुछ काम कराना है और वह उसके पास जाना चाहती थी, इसलिए वह जा नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे माध्यम से भैरू बाबा को बुलाना चाहती है। अब रामू के लिए इतनी जानकारी काफी थी, और रामू इस बात के लिए तैयार भी हो गया कि भैरू बाबा को बुला लूंगा। उस महिला ने रामू से कहा कि तुम जाओ और कुछ देर आराम कर लो, फिर शाम को तुम भैरू बाबा को लेकर आ जाना। तब रामू अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरे में बहुत सारे फूलों की खुशबू थी और बिस्तर बहुत ही अच्छे थे। वह तो वह खेतों में सोने वाला इंसान था, उसे तो यह सब बहुत ही अच्छा और स्वर्ग जैसा लगा। उसने फटाफट से नींद ले ली। अब नींद भी तो उसे जल्दी ही आ गई, क्योंकि उसने खाना भी इतना ज्यादा खाया था। अब तभी उसे नींद में वीणा की मधुर आवाज सुनाई दी। चारों ओर वीणा के मधुर स्वर गूंज रहे थे। रामू को संगीत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसके संगीत में गजब का जादू था, जिससे सुनते रहने की इच्छा होती थी। रामू ने जागा हुआ देखकर उस महिला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आए और उसे कहा कि चलो घूमते हैं, और उसने उसका हाथ पकड़ दिया और उसे संपूर्ण राजमहल में घुमाया। रामू को ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, उसने इतनी सुंदर सुंदर जगह अच्छी जैसे कि कोई स्वर्ग के कमरे हो। लेकिन रामू को सिर्फ एक ही बात अजीब लगी कि पूरे राजमहल में कोई और भी दिखाई नहीं दिया। राजमहल के बाहर एक भव्य बगीचा बना हुआ था। उस बगीचे के किनारे एक तालाब बना हुआ था। उस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था। बगीचे के अंदर ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वह फूल छोटे नहीं थे, जबकि बहुत ही बड़े बड़े फूल थे। अब रामू को तो वैसे ही फूलों का बेहद शौक था। अब बगीचे के अंदर से उस छोटे कमरे पर जाने के लिए पतला सा गलियारा बना हुआ था। अब वह महिला उस व्यक्ति को गलियारे से लेकर उस कमरे में आ गई। उस कमरे में एक बेहद सुंदर कांड रखा हुआ था। वहां उसने अपने रूप लावण्य का नजारा दिखाया, जिसके बाद रामू किसी भी चीज के लिए इनकार करने के लिए ही नहीं बचा था, और ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। फिर जब उसकी नींद खुली तो उसने स्नान किया और फिर भोजन, और फिर ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। इस समय रामू की जिंदगी का सबसे शानदार समय था। उसे होश नहीं रहता था। वह धरती पर स्वर्ग में उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा था। अब वह महिला भैरू बाबा को अगर रस्सी से बांधकर लाने की बात करती तो शायद वह ले आता। रामू पूरी तरह से उसके मोह जाल में फंस चुका था।
एक दिन सुबह स्नान के बाद वह रामू को अपने साथ लेकर महल के तहखाने में लेकर गई। उस तहखाने के अंदर अंधेरा था और वह दोनों चलते चलते एक छोटे से चकोर कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर गोल चक्कर को घुमाया। गोल चक्कर घूमते की दीवार का एक हिस्सा दाईं ओर सरक गया। वहां पर एक दरवाजा बन गया और रामू और वह स्त्री दोनों दरवाजे से आगे बढ़े। सामने गलियारा बना हुआ था। लगभग थोड़ी सी दूर चलने के बाद एक गोल चक्कर दिखाई दिया। उसने उसमें जो अंदर की तरफ घुमाया, जिस जगह पर दोनों खड़े थे वह ऊपर की तरफ होने लगा। उसने रामू से कहा कि मैं तुम्हें वापस गांव के पास छोड़ दूंगी, पर तुमको भैरव को लेकर आना है। यह ध्यान रखना कि रात के 10 बजे के बाद जाना और वहां पहुंचकर 3 बार ताली बजाना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। रामू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसने अपनी चुनरी उसने सिर पर डाल दी। जब आंख खुली तो नदी के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे वह पड़ा हुआ था और उसके कपड़े भी वहीं पास में पड़े हुए थे, जो कि पुराने कपड़े थे। राजसी वस्त्र तो गायब हो चुके थे। रामू को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से वापस धरती पर आ गया। अब थोड़ी देर के लिए उसे दुख तो हुआ, फिर याद आया कि भैरु बाबा को लेकर जाना है। रामू धीरे से उठा, नदी में स्नान किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में गांव के लोग मिलते, लेकिन रामू किसी को छूने की कोशिश करता तो उसका स्पर्श ही नहीं हो रहा था। कोई उसकी तरफ देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको वह खुद दिखाई नहीं दे रहा। रामू के लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि रामू ने एक दो दोस्तों को छूने की कोशिश की, लेकिन उनको एहसास ही नहीं हुआ। एक ने लात मारी तो दूसरे को पता ही नहीं चला। अब जब एक दोस्त को लात मारी जिससे उसकी लात हवा में रह गई, उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ था। अब घबराने की बारी रामू की थी, क्योंकि जो रामू के साथ हुआ था उसकी तो उसको कल्पना भी नहीं की थी। अब रामू की समझ में बात आ चुकी थी कि वह कोई भूतनी है और उसने मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ का काम किया है। इसके चलते रामू को गांव वाले देख नहीं पा रहे हैं और रामू सोचने लगा कि किसी ना किसी को तो मैं जरूर दिखाई दूंगा। रामू ने पूरे गांव का चक्कर मार लिया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। यहां तक कि स्नान करते हुए महिलाओं के पास जाकर खड़ा होने पर भी उसे किसी ने नहीं देखा। जब चारों तरफ से रामू निराश और परेशान हो गया, तब उसे याद आया कि मुझे तो भैरू बाबा को उसके पास भेजना भी है और मेरा आखिरी काम भी है। जब उसने भैरू बाबा को लाने के लिए मुझे भेजा है तो भैरू बाबा तो उसे ही मुझे देख लेंगे। अब यह सोचकर रामू उसके घर की तरफ चल देता है। अब भैरू बाबा के घर पर उसकी पत्नी भी, जो रामू को जानती थी, उसने रामू को देखकर कहा कि रामू, भैरू बाबा बाहर गया है, शाम को आ जाना। अब रामू ने सोचा कि कोई बात नहीं, शाम को वापस आ जाऊंगा। रामू वापस पलट कर आने लगा, तभी उसे ख्याल आया, अरे मुझे तो कोई देख नहीं पा रहा था, फिर उन्होंने मुझे कैसे देख लिया। भैरू बाबा गांव का झाड़ फूंक करने वाला था और एक तांत्रिक भी था। वह गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। भैरू बाबा की उम्र लगभग 60 साल की थी और उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। बिल्कुल आदिवासियों की तरह और मजबूत और शक्तिशाली कदकाठी था और सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर आ गई। उन दोनों की उम्र में भी काफी अंतर था। भैरू बाबा की पत्नी को लोगों ने सिखाने की बहुत कोशिश की थी और उन्होंने उसे भगाने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह है भैरू बाबा से कोई भी सवाल नहीं करती थी, जबकि भैरू बाबा की प्रति बहुत ही समर्पित पतिव्रता स्त्री थी। अब गांव वाले बहुत ही आश्चर्य करते थे कि भैरू बाबा में ऐसा क्या है। भैरू बाबा तंत्र विद्या में पारंगत था। भैरव बाबा मंदिर के पास विभिन्न प्रकार की साधना संपन्न करता आया था और सभी लोग उसको बड़ी इज्जत से देखते थे कि उसका गुरु शिव मंदिर का पुजारी था। भैरू बाबा का जो गुरु था व्यवस्थित मंदिर का पुजारी था और भैरू बाबा को अजीब अजीब सी शक्तियां प्राप्त थीं। बच्चे उसे देख लेते तो उसे घेर कर बैठ जाते थे। भैरव बाबा को भी बच्चे बहुत पसंद थे। वह उनको बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। वह सारे दिन बच्चों के साथ खेलते और सब मिलकर कई बार गांव से बाहर भी चले जाते थे, और जब वह वापस लौटे थे तो सभी के हाथों में पत्तों से बने हुए दोने होते थे और उसमें जलेबी जैसी कई मिठाई भी होती थी। तब हमेशा गांव के बाहर जाने पर दिखाता था, उसके कंधे पर एक झोला टंगा रहता था। बच्चे किसी भी चीज की मांग करते तो झोली में से निकाल कर दे देता। बाबा बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान छुटकियों में कर देता था।
एक प्रकार से वह गांव का डॉक्टर था। वह दिल का बड़ा अच्छा था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में बच्चों को अपनी संतान के समान मानता था। गांव के सारे बच्चे उसकी बात जरूर मानते थे। बाबा को घूमने का बड़ा शौक था और कई बार वह एक हफ्ते तक घर में नहीं आता था। एक दो बार तो वह महीने भर के लिए गायब हो जाता था, लेकिन लोग उसके बारे में जानते थे, इसलिए ज्यादा फिक्र नहीं करते थे। उसकी पत्नी भी इस मामले में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होती थी और उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। भैरू बाबा जब शाम के समय 7 बजे अपने घर लौटे तो जैसे ही अपने घर के पास आया, उसने रामू को देखा तो वहीं रुक गया। उसकी पत्नी तब तक कुटिया के अंदर जा चुकी थी। रामू को देखकर भैरू बाबा के चेहरे पर भी चित्र प्रकट हो गए। उसने रामू को वहीं रुकने का इशारा किया और अपने डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने झोपड़ी के चारों ओर घेरा बना दिया। जैसे ही गोल घेरा पूरा हुआ, ऐसा लगने लगा जैसे पूरी झोपड़ी को किसी धुएं ने घेर लिया हो। जो पहली लगभग गायब ही हो चुकी थी, सिर्फ हुए का एक गोला दिखाई देगा। बात रामू बाबा के साथ काफी समय रहा, पर उन्होंने इस प्रकार के चमत्कार उसे कभी नहीं दिखाए थे, इसलिए रामू भी उनकी शक्तियों को देखकर हैरत में था। तब उन्होंने आवाज लगाई तो उन्होंने रामू को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे तेजी से जंगल के पुराने खंडहर की ओर ले गया। वह खंडहर किसी पुराने महल का हिस्सा था जो लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। रामू ने बचपन में कई बार खेलते खेलते जंगल में आने पर इस खंडहर को देखा था। भैरू बाबा के साथ में वह उसी खंडहर में पहुंच गया। बाबा ने इस खंडहर के बाहर खड़े होकर कुछ अजीब सा मंत्र जाप किया। फिर बाबा ने डंडे को ऊपर की तरफ उछाला और वह खंडहर भी उस सफेद धुआं में चक्कर चला गया। भैरू बाबा बोला, रामू तू कहां जाकर फंस गया? बचपन से मैं तुझसे कहता रहा था उल्टे सीधे काम मत कर, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब बिना शरीर के घूम रहा है। अब रामू के समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने बाबा से कहा कि मेरी कहानी तो सुन लो, पर बाबा ने नहीं सुनी। अब जब भैरू बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने रामू को कहानी बताने को कहा, तो रामू ने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी एक बार से सुना डाली। अब उसने बाबा के आगे हाथ जोड़े और कहा कि बाबा, आप कुछ तो उपाय निकालो। वैसे तो मैं भूतनी की कैद में भी खुश था, क्योंकि मुझे तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन गांव लौटने के बाद मुझे पूरी सच्चाई का आभास हुआ। तब से मैं छुटकारा पाने की जुगत लगाने लगा हूं। इस स्थिति में बाबा के अलावा कोई मुझे नहीं बचा सकता। यह बात मेरी समझ में आ चुकी थी, इसलिए रामू बाबा के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। वह सामने रखी चौकी पर बैठ गया और बैठते ही अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगा, जैसे कि देवता आने पर होता है। लगभग 10 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली और आवाज निकाली, रामू तू तो बुरी तरह फंस गया, भूतनी और तेरी वजह से मेरा नुकसान भी होगा। तू मेरे दोस्त का बेटा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता। चला, आज तुझे मैं वह सच्चाई बताता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। रामू की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन रामू पूरा ध्यान लगाकर उसको सुन रहा था। अब बोल भैरू बाबा, उसे कहता है कि तुम श्मशान घाट जाओ और वहां पर उसे सुंदर युवती को बोल दो कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा, और वह उसे यह भी बोलना कि मैं उसे मार दूंगा, तब वह मेरे डर से तुम्हें आजाद कर देगी। रामू श्मशान घाट जाता है और 3 बार ताली बजाने लगता है। तभी उसे जोर का झटका लगता है और दूसरे ही पल उसकी आंखें खुलती है तो वह स्वयं को फिर से इस राजमहल में पाता है। रामू वापस उसी राजमहल के बिस्तर के पास पहुंच गए। उसी बिस्तर पर रामू का शरीर पड़ा था और वह प्रतिदिन भी वहां पर उसका इंतजार करती हुई बैठी हुई मिली। उसकी आंखें गुस्से में लाल सी हो गई, जैसे वह उस रामू को कच्चा खा जाएगी, और वह बहुत ही कड़क आवाज में पूछने लगी, भैरू बाबा कहां है? अब उसका रौद्र रूप देखकर रामू की तो हवा निकल चुकी थी। रामू डर से थर थर कांप रहा था। अब रामू बोले भी तो क्या बोले। अब उस सुंदरी ने कहा कि मुझे भैरू बाबा चाहिए, और वह सुंदरी जोर जोर से रोने लग गई। उसने कहा कि रामू, वह भैरू बाबा मुझे यहां से आजाद क्यों नहीं करता? तुम उसे क्यों नहीं लेकर आए? तब रामू ने कहा कि आजाद मतलब तुम यहां पर कैद हो, क्या तुम तो भूतनी हो? तब उसे सुंदर महिला ने कहा कि मैं कोई भी भूत नहीं हूं, जबकि वह तुम्हें पागल बना रहा है। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूं कि फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा था, उनके 3 रानियां थीं, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। एक सुबह का वक्त था
राजा शिकार खेलने के लिए निकले और जंगल की ओर चल पड़े। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तभी उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो कि फसल को बांध रही थी। वह पटरी पर बैठी हुई मुंज की पत्तियों में गांठे लगा रही थी। राजा ने उसे बुढ़िया को देखा और सोचा कि इस वीरान बगल में यह कहां से आई है और यह क्या कर रही है। यह सब जानने के लिए राजा जब उस माता के पास पहुंच गए और बोले, यहां इस वीरानी जंगल में तू अकेली बैठी हुई क्या कर रही है? तो वह माता बोली, बेटा मैं किसी की जोड़ी बना रही हूं तो किसी की बिगाड़ रही हूं, किसी को मिला रही हूं तो किसी को अलग कर रही हूं, तो किसी को मिला रही हूं। इस पर राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ठीक है, फिर तुम बताओ कि मेरी जोड़ी किसके साथ में बन रही है, यानी कि मेरी शादी किसके साथ में होगी। इतना सुनते माता को राजा के घमंड को पहचानने में देर नहीं लगी और वह माता सोचने लगी, यह राजा होने के घमंड में शादीशुदा होकर भी मुझसे जोड़ी बनवाने के बारे में बातें कर रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन ठीक है, मैं इसकी इस गलती का इसे उचित फल दूंगी। इसने जो माता के साथ भद्दा मजाक किया है, इसका फल तो इसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माता राजा से बोली, ही राजा, तूने मुझसे पूछा कि तेरी जोड़ी मैंने कहाँ बनाई है, तो सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी जोड़ी मैंने तेरी पटरानी से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरी शादी तेरी अपनी सगी बेटी से होगी। तूने मेरे साथ जैसा भद्दा मजाक किया है, वैसा ही मैंने तुझे फल दे दिया। माता के इतने वचन सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और बेमाता से अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। तो वह माता बोली कि राजा, तू तो राजा है ना, तेरे लिए तो सब कुछ संभव। अब राजा माता की लाख मन्नतें करने लगा और माता से मिले श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करने लगा। तब वह माता बोली कि राजा, मेरा कहा गया वचन झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरे पास सामर्थ्य हो तो बचने की कोशिश कर लेना। इतना बोलकर माता अपने कार्य में मस्त हो गई और राजा शिकार खेलना तो भूल ही गया था और वह दुखी था और दुखी मन से ही अपनी राजधानी और अपने महल को लौट आया। महल में अपनी पटरानी चंद्रलेखा के पास राजा जो है, उसने बहुत ही उदास मन से पूछा। रानी ने अपने राजा को उदास और दुखी देखा तो पटरानी चंद्रलेखा अपने राजा से बोली, महाराज आज क्या बात है जो आप इतने दुखी लग रहे हो? तो राजा कहने लगे, ही महारानी मैं तुझे क्या बताऊं, आज मुझसे अपने घमंड में आकर मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। रानी बोली, कैसी भूल कर दी महाराज? इस पर राजा ने अपनी रानी चंद्रलेखा को सारी बातें सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद रानी चंद्रलेखा बोली, महाराज उस अनहोनी के डर से अभी से आप चिंता क्यों करते हो जिसका कोई आधार नहीं? अरे जब हमारे कोई बेटा बेटी है ही नहीं तो फिर तुम्हारी दुल्हन कैसे बनेगी? और आगे भी हम किसी बेटी को जन्म लेने ही नहीं देंगे जिससे तुम्हारी दुल्हन बनने की कोई भी जो गुंजाइश ही ना रहे। अब राजा ने अपनी रानी चंद्रलेखा की इतनी बातें सुनी तो राजा के दिमाग में उसकी बातें बैठ गईं और वह सोचकर उसने राहत की सांस ली कि रानी ठीक तो कहती है कि जब अब तक हमारे कोई संतान नहीं है तो फिर मेरी बेटी मेरी दुल्हन कैसे बनेगी। और इस तरह राजा अपने दुख को दूर करने के लिए अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और कुछ महीना के बाद ही उसकी जो रानी थी रानी चंद्रलेखा, उसको गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने पर महारानी चंद्रलेखा को अब चिंता सताने लगी और वह अपनी गर्भ अवस्था पर अपनी नजर बचाने लगी। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय नजदीक आने लगा तो रानी ने अपनी एक सबसे प्रिय दासी थी उसको अपनी देखरेख के लिए तैनात कर दिया। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने रात्रि के 12 बजे के आसपास एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही रानी चंद्रलेखा के होश उड़ गए कि उसको तो कन्या पैदा हो गई है। और अपने पति राजा की कही हुई बातों का आधार बनता देखकर रानी दुखी हो ठीक और किसी अनहोनी को रोकने का प्रयास करने लगी। कन्या का जन्म होते ही रानी ने अपनी दासी को आदेश दिया कि दासी इस कन्या को यहां से लेकर जाओ और यह आने वाले समय में राजा के ऊपर संकट बनने वाली है, इसीलिए इसे कहीं पर खड़ा खोद कर डालो ताकि यह मर जाए। उस दासी में रानी से कहा ठीक है और उसने बच्ची को गोद में उठाया और जंगल में जाकर एक खड़े के अंदर उस बच्ची को डाल दिया और जल्दी जल्दी वापस आ गई। लेकिन विधाता हो तो कुछ और ही मंजूर था। अब जोर जोर से हवा आने लग गई। अब उस खड्डे के पास में से एक कुम्हार दंपति वहां से जा रहे थे। वह दोनों निसंतान थे और भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि संतान की प्राप्ति हो। जब वह दोनों जा रहे थे
तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तब उन्होंने वहां पर देखा तो यह छोटी सी बहुत ही सुंदर बच्ची रो रही थी। उन दोनों ने उसे गोदी में लिया और गले लगाया और कहा कि यह तो भगवान द्वारा दिया गया शायद उपहार है, और इसे उपहार समझकर दोनों पति पत्नी उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगे। कुम्हार की पत्नी कुम्हार की जो बेटी थी उसका नाम दोनों पति पत्नी ने किरण रखा। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और सुंदरता में सारे नगर के बच्चों को पीछे छोड़ने लगी, और समय धीरे धीरे बिताता गया तो अब किरण अपने माता पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगी। किरण जब 16 बरस के आसपास हो गई तो एक दिन वह अपने पशुओं को जो चारा डाल रही थी। अब राजा शिकार खेलने के बाद महल की ओर लौट रहे थे। जब राजा ने उस लड़की को देखा तो उस पर मोहित हो गए, और महल में पहुंचकर राजा ने अपनी महारानी चंद्रलेखा से किरण के बारे में बताया और कहा, महारानी हमें पता करके बताओ कि वह लड़की कहां की है और किसकी है और कहां रहती है। उसने हमारा दिल चुरा लिया है और हम उससे शादी करना चाहते हैं। पहले समय में राजा महाराजा कई कई शादी कर लेते थे और रानियां को कोई एतराज भी नहीं होता था, इसलिए इतना सुनते ही रानी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा बहुत जल्दी हम पता निकल लेंगे कि वह कन्या किसकी बेटी है और कहां रहती है। उसके बाद रानी ने अपने गुप्तचर को पता लगाने के लिए भेज दिया। पता लगने के बाद राजा को किरण के बारे में पूरी सूचना दे दी गई तो राजा बोला, ठीक है महारानी, हमारे रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार और उसके पत्नी के पास भेज दो। इस पर महारानी बोली, महाराज अब यह कम गुप्तचर का नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण का है, इसलिए इस रिश्ते का प्रस्ताव ब्राह्मण के द्वारा भेजो। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में ब्राह्मण को बुलवाया और रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार पति पत्नी के पास भेज दिया। कुम्हार पति पत्नी में जब ब्राह्मण की बातें सुनी तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगे, राजा का रिश्ता उनकी बेटी किरण के लिए। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कहां पर तो राजा है और कहां पर हम गरीब लोग हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी को आपकी बेटी पसंद आ गई है, और इसमें तो तुम्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि आपकी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है। तुम्हारी बेटी जानवरों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी बल्कि राजघराने में रानी बनकर राज करेगी। सुखद भविष्य को देखते हुए कुम्हार दंपति रिश्ते के लिए मंजूरी दे देते हैं और शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही शादी हो जाती है। शादी होने के बाद महारानी चंद्रलेखा किरण और राजा का भव्य स्वागत करती है। अब शाम का समय था। महल के पड़ोस में एक बकरा और बकरी बंधे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जो रानी चंद्रलेखा थी वह उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। बकरा बकरी से बोला, बकरी कैसा अनर्थ होने को जा रहा है। बकरी बोली, कैसा अनहार्थ, तो बकरा कहने लगा, बकरी ऐसा अनर्थ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बाप अपनी ही की बेटी को दुल्हन बनाकर लाया है। इस पर बकरी बोली, यदि आप सच बोल रहे हैं तो इस कहानी को मुझे पूरी सुनाइए। तो बकरे ने राजा की पूरी दास्तान बकरी को सुना दी, जिसे महारानी चंद्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी, और उसने बकरा बकरी की दास्तान को सुनना जारी रखा। बकरी ने पूरी दास्तान सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ऐसा अनर्थ देखकर सुनकर भी अगर हम जिंदा हैं तो ही भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद आप हमारी बोलने की और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो, जिससे हम किसी भी अपराध को ना तो सोच पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे, जिससे हमें जीने में आसानी होगी। और ऐसा सुना है कि उसी क्षण और बकरी गूंगे हो गए। रानी चंद्रलेखा ने जब यह सब सुना तो उसे समझने में अधिक समय नहीं लगा, और वह समझ कि किरण कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है, तो वह चंद्रलेखा धरती मां से प्रार्थना करने लगी, ही धरती मां, मैं इस धरती पर क्यों जिंदा हूं? इतने बड़े अनर्थ का बोझ मैं कैसे सहन करूंगी, इसलिए मुझे तू अपनी गोद में ले ले। रानी का ऐसा विलाप देखकर धरती मां ने अपना सीना खोल लिया और रानी धरती मां की गोद में बैठ गई। महल के बाकी लोगों ने जब यह नजर देखा तो वह तुरंत भागकर राजा के पास गए और राजा को सूचना दी। सूचना पाते ही राजा रानी के पास आए और अपनी रानी को धरती में समाते हुए देखा तो रानी से बोले, रानी यह सब क्या है और मुझे छोड़कर तुम कहां जा रही हो? तो रानी बोली, महाराज, जो अपराध हमसे हुआ है, जो अनर्थ हमसे हुआ है, उसका तो एक यही प्रायश्चित है। तो राजा बोला, कैसा अपराध, कैसा प्रायश्चित? तो रानी ने सारी दास्तान राजा को बता दी। दास्तान सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और वह बोला, महारानी, यह अपराध तुमसे अकेले नहीं हुआ, इसका मैं भी बराबर का भागीदार हूं।
इसलिए ही धरती माँ की गोद में तू अकेले नहीं बैठ सकती। धरती माँ के साथ गोद में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने द्वारा किए हुए इस अनर्थ का प्रायश्चित करूंगा। इतना बोलते ही राजा ने मंत्री से एक पत्र मंगा और फिर जिस पर उसने अपनी पूरी दास्तान को नसीहत के तौर पर लिखा कि हमारे बाद हमारे राज्य को हमारी बेटी किरण ही संभालेगी। पत्र में इतना लिखकर मंत्री को दे दिया और राजा रानी चंद्रलेखा के साथ धरती में समा गए। अब जब किरण को पता चला कि असली सच्चाई क्या है तो वह जोर जोर से रोने लग गई और उसे बहुत ही पछतावा हुआ था कि उसकी वजह से उसके माता पिता धरती में समा गए और वह जिसे अपना पति समझ रही थी वह उसके पिता थे। वह इतनी ज्यादा घबरा गई कि महल छोड़कर जंगल में चली गई। अब वह इतनी सजी धजी जंगल में बैठे बैठे रो रही थी, उसे एक आदमी ने देख लिया तो उसने उसे कैद कर लिया और उसे उसकी सारी सच्चाई पता चालू करें। राजमहल गया और उसने किरण को डराया। पूरे राजमहल की जितने भी संपत्ति थी उसे लेकर के किरण को साथ में लेकर के उसे एक नए महल में कैद कर दिया और उसे महल के चारों ओर इतने लोग लगा दिए कि वह उसे महल से कभी भी बाहर नहीं निकलता। और उसे आदमी की एक ही शर्त है कि वह किरण अगर मुझसे शादी कर ले तो उसे इस कैद छुटकारा मिल सकता है। अब वह सुंदर महिला यह कहानी सुनाते सुनाते जोर जोर से रोने लग गई। तब रामू ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? तब वह रानी से बोलता है कि वह आदमी कोई और नहीं जबकि वह तुम्हारा भैरू बाबा है। अब रामू को तो जैसे जोर से झटका लगा। उसने कहा कि भैरू बाबा तो ऐसा नहीं है। तब उस सुंदर महिला ने कहा कि रामू तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यह सब झूठ बोल रही हूं, मुझे तुम्हें झूठ बात कर क्या करना है? तब रामू उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। जब वह सुंदर युवती रामू को सब बातें बता रही होती है तभी वह एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आता है और कहता है कि राजकुमारी खाना खा लीजिए। अब रामू उसे सुंदर युवती से पूछता है कि तुम राजकुमारी कैसे हो? तब वह कहती है कि जो मैंने तुम्हें अभी पूरी कहानी सुनाई है वह और किसी की नहीं जबकि वह मेरी ही है। मैं ही किरण हूं और वह राजा और चंद्रलेखा मेरे माता पिता थे और जो भैरू बाबा है तुम्हारा, उसने मुझे अपने के लिए कैद करके रखा है कि किस दिन मैं हां भरूं और वह मुझसे शादी कर ले और वह तुमसे झूठ बोल रहा है। तब रामू ने कहा कि तुम यहां से बाहर क्यों नहीं चली जाती? तब वह कहती है कि जब तुम यहां अंदर आए थे तो तुम भैरू बाबा के जानकार थे, इसीलिए यहां के लोगों ने तुम्हें रोका नहीं। वह यहां पर छुपकर बैठे हुए होते हैं और वह ना तो किसी को अंदर आने देते हैं और ना ही किसी को बाहर जाने देते हैं और मुझे यहां अंदर सारी सुख सुविधा दी जाती है ताकि मैं भैरू बाबा से शादी कर लूं, लेकिन मुझे उस धोखेबाज इंसान से शादी नहीं करनी, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और दूसरी बात, वह लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है जबकि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, जबकि वह लोगों को यह कहकर डरता रहता है ताकि इस महल के पास में कोई ए ना सके, जबकि यहां पर जो तुमने देखा था वह शमशान घाट नहीं है, जबकि यह उस भैरू बाबा के बिना मतलब के जादू है जिससे वह लोगों को पागल बनाता रहता है। और उसके डर से आवाज तो यहां पर कोई भी नहीं आया है तुम्हारे अलावा। और जो उसकी पत्नी है वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसे वह पत्नी बना करके रखता है और वह कुछ भी नहीं बोलती है और वह उस भैरू बाबा के सारी बातें हैं मानती है, क्योंकि अगर वह भैरू बाबा की बातें नहीं मानेगी तो भैरू बाबा उसे डराता है कि वह मेरी जान ले लेगा और इसीलिए वह बेचारी अपनी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद कर रही है। अब रामू तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए तुम मेरी मदद करो और मुझे इस भैरू बाबा के चंगुल से बाहर निकालो और भैरू बाबा के चंगुल से सभी लोगों को बचाओ। वह लोगों को पागल बनाता है और भ्रमित करता है, क्योंकि हमें सिर्फ भगवान पर विश्वास करना चाहिए ना कि भूत प्रेत और ऐसे तांत्रिक लोगों पर, क्योंकि जब भगवान का हाथ हमारे सर पर है तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर रामू तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम भैरू बाबा को कभी भी चुपके से यहां पर आते जाते देख सकते हो। अब रामू ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा और उसे भैरू बाबा के चंगुल से हमारे गांव के सभी लोगों को और तुम्हें बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब वह चुपके से उस महल से बाहर जाता है और भैरू बाबा के घर पर जाता है। उधर घर पर वह पहुंचने ही वाला होता है कि भैरू बाबा को नहीं पता होता है कि रामू आ रहा है। वह अपनी पत्नी को जोर जोर से डांट रहा होता है कि तुमने आज खाना अच्छे से क्यों नहीं बनाया, अगर आगे से ऐसा खाना बनाया तो मैं तेरी सहेली को जान से मार दूंगा। तब वह बेचारी पत्नी बोलती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी बनकर रह रही हूं
ना तो तुम बेचारी उसे तो छोड़ दो, उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तब वह कहता है कि उसकी जिंदगी तो हमेशा खराब ही करूंगा जब तक वह मेरी बात नहीं मान लेती। अब वह रामू जो मेरे दोस्त का लड़का है वह भी उसे महल में चला गया है और मुझे ऐसा लगा कि उसे राजकुमारी ने कुछ बता तो नहीं दिया है, इसीलिए मैंने उसे महल में वापस जाने को कहा और वहां के आदमियों को बोल दिया है कि उसकी हत्या कर दे। तब उसे पत्नी ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, उसकी क्या गलती है, तुम उसे क्यों मार रहे हो? तब वह भैरू बाबा कहता है कि हो सकता है कि उसे मेरी सच्चाई पता चल जाए, इसीलिए उसे अब मरना पड़ेगा, और वह यह कहकर महल की तरफ चला गया। अब चुपके से रामू घर के अंदर आया और भैरू बाबा की पत्नी से कहा कि आप डरिए मत, मुझे सब सच पता है, मुझे आपकी सहेली राजकुमारी किरण ने सब बात बता दी है, पर आप मुझे बताइए कि मैं आपकी सहेली को कैसे बचाऊं। तब वह कहती है कि मैं क्या कर सकती हूं, तुम मुझे बताओ, पर तुम हमारी जिंदगी हो, बर्बाद होने से बचा लो। तब रामू घोड़े पर सवार होता है और उसकी पत्नी को घोड़े पर पीछे बैठा लेता है। अब वह जल्दी जल्दी राजकुमारी किरण के राज्य में जाता है और वहां के बड़े बड़े लोगों से बात करता है और सभी को राजकुमारी किरण की सच्चाई बता देता है। वहां के सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हमारी राजकुमारी को बचाओ, क्योंकि हमारा राज सिंहासन भी खाली है, क्योंकि जब से राजकुमारी यहां से गायब हो गई है वह वापस लौट कर ही नहीं आई है और सभी लोग उसकी राह देख रहे हैं। तभी सब लोग उसके साथ में मिलकर खूब सारे घोड़े और हाथी लेकर के राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। अब वह चुपके चुपके महल की तरफ जाते हैं और रामू सबको कहता है कि पूरे महल को चारों ओर से घेर लो। अब रामू अपने आदमियों के साथ में महल के अंदर जाता है। महल के अंदर वह जैसे ही जाने वाला होता है तो वह देखता है कि भैरू बाबा के हाथ में तलवार होती है और वह राजकुमारी को मारने ही वाला होता है कि रामू भागकर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तब तक सभी लोग आ जाते हैं और वह सब भैरू बाबा को रस्सी से बंधक बना लेते हैं और जब सब लोग अपनी राजकुमारी को देखते हैं तो भागकर उसे गले लगाते हैं और जो दूसरी रानियां थीं वह राजकुमारी को देखकर बहुत ही खुश होती है। राजकुमारी किरण रामू को बहुत ही धन्यवाद बोलती है कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं बच पाई हूं, और वह सभी लोग अपने राज्य में चले जाते हैं और वहां पर उसे भैरू बाबा को जेल घर में डाल देते हैं। अब सभी लोग राजकुमारी से कहते हैं कि राजकुमारी आपकी मदद इस रामू ने की है, इसीलिए आपको इससे विवाह करना लेना चाहिए। अब रामू भी बहुत ही खुश हो जाता है और उसका और राजकुमारी का विवाह हो जाता है और थोड़े ही दिनों में उसे राज्य को वारिस मिल जाता है और सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन उसे राज्य के सभी लोगों को एक सबक जरूर मिलता है कि कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कहते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं और जो तांत्रिक बने हुए होते हैं। यह सब उनका मन का ही वह वहम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं भूत प्रेत की भी दुनिया होती है और उन भूत प्रेत से हम लोग भयभीत भी रहते हैं। कभी कभी घर के किसी आदमी पर भूत का अटैक भी आता है, फिर हम लोग मौलवियों के पास चले जाते हैं और उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है। जिसके मन में भूत है उसी के पीछे भूत प्रेत है, और जिसका मन भूत है वहां न भूत है न प्रेत है। अब इसे लोग समझ नहीं पाते और अंधविश्वासों के शिकार होकर तरह तरह के बुरे कर्मों में पड़ जाते हैं। यह अंधविश्वास दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। कभी कभी तो उन्हें संस्कृति की धरोहर का एक हिस्सा मानकर अनमोल समझा जाता है, तो कभी कभी इनमें विज्ञान ढूंढा जाता है। पश्चिम में जहां अंधविश्वास को गंभीरता से नहीं लिया जाता, वहीं पूर्व में इसके प्रति विश्वास है तो अफ्रीका में इसके प्रति जुनून है। अंधविश्वास की असली जड़ भूत प्रेत का डर, जादू टोने होने का डर, प्रेम विवाह, व्यापार नौकरी में असफलता का डर और दुर्भाग्य घटित होने का डर है। किसी की बुरी नजर से बचने, भूत प्रेत या मन के भय को दूर करने या किसी भी तरह के संकट से बचने के लिए गंडे ताबीज का उपयोग किया जाता है। गंडा ताबीज करना प्रत्येक देश और धर्म में मिलेगा, चर्च, दरगाह, मस्जिद, मंदिर, सिनेगॉग, बौद्ध विहार आदि सभी के पुरोहित लोगों को कुछ ना कुछ गंडा ताबीज देकर उनके दुख दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कई तथाकथित बाबा, संत और फकीर ऐसे हैं जो इसके नाम पर लोगों को ठगते भी हैं। यदि आपके मन में विश्वास है कि यह गंडा ताबीज मेरा भला करेगा तो निश्चित ही आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह सब साइकोलॉजी होती है।
अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता है। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता एवं सुनता आ रहा होता है, वह भी उन्हीं का पालन करने लगता है। यह अंधविश्वास उसके मन मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वह इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोविज्ञान एवं कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं एवं ऐसा मानते हैं कि इन अंधविश्वासों को मानने एवं इन पर चलने से ही शायद वह सफल हो जाएं। अंधविश्वास न केवल अशिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि यह काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग एवं विकसित देशों के लोगों में भी कम या ज्यादा देखने को मिलता है। यह आमतौर पर देखने को मिलता है। अंधविश्वास समाज, देश, क्षेत्र, जाति एवं धर्म के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं। अंधविश्वास से बचने के लिए आवश्यकता है अपने मन, मस्तिष्क, सोच एवं मनोविज्ञान को मजबूत करने की। अक्सर लोग अंधविश्वासी सुनी सुनाई बातों के आधार पर होते हैं। कभी बिल्ली के रास्ता काटने पर उस रास्ते से बाहर जाकर देखिए, आप पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य अंधविश्वासों पर भी प्रयोग करके देखिए, आप अपने आप इन अंधविश्वासों से बाहर निकल आएंगे। अगर आपके साथ इन अंधविश्वासों पर प्रयोग करते समय कोई अनहोनी होती है तो यह महज एक संयोग ही होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, यह एक कड़वी सच्चाई है। अंधविश्वास से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक बने रहें। मानव मस्तिष्क विश्वास एवं घटना के बीच बहुत जल्दी संबंध बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति 13 तारीख के दिन शुक्रवार को खतरनाक मानता है एवं उसी दिन उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब अंधविश्वास मजबूती के साथ और प्रबल हो जाता है। ऐसा ही अन्य अंधविश्वासों के साथ भी होता है, जबकि यह मात्र एक संयोग ही है। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को करने की प्रबल इच्छा को नजरअंदाज करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि अंधविश्वास केवल तब कार्य करता है जब आप उसके निहित आकर्षण एवं शक्ति में विश्वास करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए। तो मित्रों, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखो और हमेशा अच्छे कर्म करो और हमेशा लोगों की मदद करो। कभी भी ऐसे अंधविश्वासों में मत पड़ो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।